सिंध के जिला कश्मीर कंदकोट में गुड्डू पावर प्लांट 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड का मरम्मती काम तीसरे दिन भी शुरू ना किया जा सका। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा मीर अली अकबर, हमारे साथ मौजूद हैं। मीर अली बताएगा अब तक काम क्यों ना शुरू किया जा सका। देखिए जी, कश्मीर गुड्डू पावर प्लांट में जो है 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड में फनी खराबी के बाद जो है लगने वाली आग का मामला है। जराये के मुताबिक मुसलसल अब तक स्विच यार्ड और ब्रेकर का मरम्मती काम जो है वो शुरू ना हो सका है। धमाके से फटने वाला ब्रेकर पावर प्लांट में मौजूद नहीं है। ब्रेकर की मरम्मती या तब्दीली में मजीद जो है एक हफ्ता जो है वो लग सकता है। शदीद धुंध और फनी खराबी के बाद लोडशेड में भी जो है इजाफा होने का जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता रात हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने की वजह से न सिर्फ पंजाब बलूचिस्तान के कई अजला में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। बिजली बंद होने की वजह से शहरी और घरेलू सार्फिन को कारोबारी हजरातों को काफी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गुड्डू पावर प्लांट के 500 केवी ग्रेड स्टेशन में जो है इमरजेंसी भी नाफिज कर गई थी। 10-12 घंटे के बाद जो है वो आग काबू पा लिया गया था, आग जो है बुझा दिया गया था। हर साल गुड्डू पावर प्लांट इसी तरह जो है हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड में जो है फनी खराबी का जो मामला है ये मामूल बनता जा रहा है। जी मेरे लिए आपका शुक्रिया।